पाकिस्तान में अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में पीड़ित हिंदू बच्चियों ने सुरक्षा के लिए कोर्ट से गुहार लगाई। इस बीच निकाह में मददगार बने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इन हिंदू लड़कियों का अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन करवाया गया। नाबालिग लड़कियों ने पंजाब प्रांत में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। आप नए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना, ये आप जरूर रिपोर्ट कीजिएगा। आप नए प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर है, आपको ये नहीं पता कि आपके होली के त्योहार के दिन लड़की को उठाया जाता है। आप उसी वक्त अपनी फेडरल गवर्नमेंट को कहकर सिंपली उनके अंडर में आती है, फेडरल गवर्नमेंट अंडर में आती है, केंद्र हुकूमत में नहीं आती है। आप उनको ये कहकर नहीं कह सकते कि लड़कियों को रिकवर करें। उनको दो दिनों के बाद 48 आवर्स के बाद उनको एहसास होता है, जब आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज वो ट्वीट करती हैं, वो इस पर एक्शन लेती हैं, तो आपको तकलीफ होती है कि ये इंडिया वालों ने इस पर क्यों आवाज उठाई। यूपी में गंगा यात्रा के बाद अब प्रियंका गांधी अवध की सीटों पर कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए उतरने वाली है। अवध में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार को कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। वो इसलिए कि 2009 के चुनाव में उसे इस रीजन से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन 2014 में नतीजों का गणित ऐसा पलटा कि कांग्रेस को यूपी से सिर्फ दो ही सीटें मिल सकी और ये दोनों सीटें अवध रीजन से आईं। इस रीजन में कांग्रेस कमजोर हुई तो बीजेपी ने सीटों का ऐसा किला खड़ा कर दिया जिसे अब तोड़ने और कमजोर करने की चुनौती प्रियंका गांधी के सामने है, और शायद इसीलिए उन्होंने पूर्वांचल और अवध रीजन के बड़े मुद्दों में एक गन्ना किसानों का मसला छेड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए राज्य की योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने यूपी के गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया। उन्होंने चौकीदार वाले अभियान पर तंज कसते हुए पीएम को निशाने पर लेने की कोशिश की। प्रियंका के ट्वीट से साफ हो गया कि कांग्रेस यूपी के दो बड़े रीजन पूर्वांचल और अवध में जीत के लिए पूरी रणनीति के साथ चल रही है, जिसके तहत वो बीजेपी का वोट बैंक तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि प्रियंका के हर वार का बीजेपी भी बड़ी गंभीरता से पलटवार कर रही है, और अब तो मैदान में राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उतर आए हैं। उन्होंने गन्ना किसानों के मुद्दे पर पहले तो ट्विटर पर प्रियंका गांधी के हमले का जवाब दिया और सरकार को गन्ना किसानों के मसले पर गंभीर बताया। ट्विटर पर पलटवार के बाद सहारनपुर की एक रैली में भी उन्होंने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनको ये लगता है कि खेत है जो आप गन्ना पैदा करता है किसान, उनको ये लगता है किसी पेड़ के ऊपर लटका होगा। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के आक्रामक रुख से कांग्रेस को यूपी चुनाव में ज्यादा फोकस भी मिल रहा है, क्योंकि एसपी बीएसपी का साथ नहीं मिलने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार यूपी की 80 सीटों की दौड़ में कमजोर साबित होगी। लेकिन खबरें हैं कि कांग्रेस में अंदर खाने इस पर काम चल रहा है। पार्टी ने प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा के बाद अब 3 दिन के अवध दौरे को पूरी तैयारियां भी कर ली है, जिसके तहत प्रियंका अवध रीजन की लखनऊ सीट से लेकर अयोध्या तक बस से चुनाव प्रचार करेंगी। उनका अवध दौरा 25 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च को खत्म होगा, यानी पूर्वांचल की तरह अवध में भी प्रियंका 3 दिनों तक कांग्रेस के लिए वोट जुटाने की कोशिश करेंगी। प्रियंका गांधी बस से यात्रा करेंगी, यानी पहले बोट से और अब बस से यात्रा करके चुनावी जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगी, जनता से मुलाकात करेंगी। प्रियंका के लिए अवध की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। इस रीजन में बीजेपी मजबूत मानी जाती है और उसका मुकाबला महागठबंधन से होने वाला है। सीएम योगी का भी अवध रीजन में खासा असर माना जाता है। ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि खबर है कि 2009 के चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस अवध रीजन पर ज्यादा जोर दे रही है। वो इसलिए कि 2009 के चुनाव में कांग्रेस को अवध रीजन की 24 लोकसभा सीटों में 2/3 मतलब 14 से 15 सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस ने यूपी में कुल 21 सीटें जीती थी। इसके अलावा 2014 में भी पूर्वांचल और अवध की कुल 55 सीटों में कई सीटों पर कांग्रेस को एसपी और बीएसपी से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें मिर्जापुर सीट भी थी। प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान मिली है, जिसमें पूर्वांचल और अवध दोनों ही अहम रीजन हैं। कांग्रेस को अच्छा प्रदेश करने के लिए इस प्रदर्शन करने के लिए इस रीजन से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। यही वजह है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी की रैलियों से ज्यादा लोगों के बीच उन्हें लेकर जाने पर काफी जोर दे रही है। गंगा यात्रा के समय प्रियंका गांधी की बोट गंगा किनारे वाले गांव में रोकने के पीछे यही वजह थी, क्योंकि जिन गांव में प्रियंका गांधी गई वहां नेता कम ही पहुंच पाते हैं। बताया जा रहा है कि गंगा यात्रा की तरह अवध के दौरे पर भी प्रियंका लोगों के बीच पहुंचने के लिए बस के साथ ट्रेन में भी सफर कर सकती हैं। कल से फिर प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर है और ये कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ पर भी उनके आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इतने भर से कांग्रेस की जीत की राह आसान नहीं हो जाएगी। यूपी कांग्रेस में बिखराव और खोया जनाधार कांग्रेस की कमजोरी है। ऐसा अनुमान भी लगाया जाने लगा है कि कहीं प्रियंका का आक्रामक प्रचार महागठबंधन को ही नुकसान न पहुंचा दे।